नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज NIRT द्वारा 46 खाली पदों पर भर्ती निकाली गई है, तो इसमें जो इनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट रहेगा, और इनकी जो वेबसाइट रहेगी वो NIRT.res.in, इस पर आप अपने सारी जानकारी इसी पे मिलेंगी आपको। इस पे वेबसाइट पे विजिट करके आप अपनी सारी जानकारी जुटा सकते हैं। तो इसमें जो साइंटिस्ट सी जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए जो सैलरी रहेगी वो 64,000 रुपये और प्लस HRA जो रहेगा वो 8,325 रुपये। इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो 40 साल, और कंसल्टेंट मेडिकल ये 70,000 रुपये इसकी सैलरी है, और एज लिमिट भी इनकी 70 साल ही है। इन दोनों पोस्टों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए कैंडिडेट्स के लिए 4 खाली पोस्टें हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सीनियर इन्वेस्टिगेटर उसके लिए 32,000 रुपये सैलरी, 30 साल एज लिमिट और एक खाली पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इसके लिए 32,000 रुपये, एज लिमिट 30 साल, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट, SC के लिए 2 और ST के लिए 1। इस प्रकार प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल सोशल वर्कर जो हैं उनके लिए 32,000 रुपये सैलरी, 30 साल एज लिमिट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 खाली पोस्ट। उसके बाद जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं उनके लिए 31,000 रुपये सैलरी और एज लिमिट 30 साल, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 खाली पोस्टें हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 में लेबोरेटरी टेक्नीशियन 18,000 रुपये सैलरी, 30 साल एज लिमिट, ST कैंडिडेट के लिए 1 खाली पोस्ट है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 में एक्सरे टेक्नीशियन 18,000 रुपये सैलरी, 30 साल एज लिमिट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1, SC के लिए 2 और ST के लिए 1 खाली पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी में 18,000 रुपये सैलरी, 28 साल एज लिमिट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1, ST के लिए 1 खाली पोस्ट है। उसके बाद प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड में हेल्थ असिस्टेंट 17,000 रुपये सैलरी, 28 साल एज लिमिट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9, फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 2 खाली पोस्टें हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट 17,000 रुपये सैलरी, 28 साल एज लिमिट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 खाली पोस्टें हैं। ड्राइवर कम मैकेनिक उनके लिए 16,000 रुपये सैलरी, 25 साल एज लिमिट, अनरिजर्व के लिए 3 खाली पोस्टें हैं। फिर सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट UDC अपर डिवीजन क्लर्क उसके लिए 17,000 रुपये सैलरी, 28 साल एज लिमिट, अनरिजर्व के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 1 खाली पोस्ट है। मल्टी टास्किंग स्टाफ जो हैं स्वीपर उनके लिए 15,800 रुपये सैलरी, 25 साल एज लिमिट, अनरिजर्व के लिए 1 खाली पोस्ट है। इसके बाद इन्होंने क्वालिफिकेशन जो जॉब के लिए जो दी है, साइंटिस्ट सी मेडिकल इनके लिए MBBS डिग्री और 4 साल का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा, और डॉक्टरेट ऑफ MD यानी मास्टर डिग्री इनका ये। इसके बाद ये कंसल्टेंट मेडिकल इसमें प्रोफेशनल विद MBBS MD PhD मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सीनियर इन्वेस्टिगेटर ग्रेजुएट इन साइंस, 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 3 ईयर ऑफ रिसर्च फील्ड एक्सपीरियंस। फिर इन्होंने प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट इन साइंस, 3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। फिर प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल सोशल वर्कर इसके लिए ग्रेजुएट इन
सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी मास्टर डिग्री, ये इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इसमें ग्रेजुएट इन साइंस, एक्सपीरियंस इन फील्ड लेवल डाटा कलेक्शन। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 12th पास विद साइंस, 2 साल का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का इनका एक्सपीरियंस यानी डिप्लोमा। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 के लिए एक्सरे टेक्नीशियन, उसमें 12th पास इन साइंस, एक्सरे रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स, इसके लिए ये कोर्स होगा और 3 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन का। फिर इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी में 12th पास और एक्सपीरियंस जो डाटा एंट्री इन रिसर्च प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2nd में हेल्थ असिस्टेंट, हाई स्कूल यानी 10th पास, 5 साल का एक्सपीरियंस इन हेल्थ फील्ड। फिर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2nd में लेबोरेटरी असिस्टेंट, हाई स्कूल यानी 10th पास, 5 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड, इसमें एक्सपीरियंस इन ब्लड कलेक्शन एंड स्पूटम कलेक्शन, ड्राइवर कम मैकेनिक, मैट्रिक पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट डीजल मैकेनिक। उसके बाद सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट UDC 12th पास और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर, हाई स्कूल की मैट्रिक पास, एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन फील्ड सर्वेज एंड हेल्थ प्रोग्राम। इसके बाद जो इनकी इंटरव्यू डेट जो दी गई है वो 30/10/4/11 और 6/11/2019, 13/11/2019, ये इनकी इंटरव्यू की डेट रहेंगी। तो इसमें आप जो इन्होंने इंटरव्यू की डेट दी है, इन डेट्स पर अपने जाके इंटरव्यू देने के बाद अपना सिलेक्शन होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी साइट पे विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।